मजे ही मजे इस बीच पर यार, देख लो वाओ सिकरी बीच भाई, मजे आ गए इस बीच पर आकर। आप जरूर आना इस बीच पर अगर आना चाहते हो और इस तरह से वेव का मजा लेना चाहते हो भाई, तो देख लो कैसा दिखता है, बिल्कुल मस्त वाला भाई। तो जरूर क्या कर रहे हो यार, चलो आज इस बीच का पूरा दीदार करते हैं और लेते हैं पूरा मस्ती। मजा आ गया भाई। यार गोवा का मजा ही कुछ और है भाई, और मानसून का तो अपना अलग मजा है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ, अमित कुमार। और आज मैं सिकरी बीच पर आया हूँ, और बता दूँ आज मॉर्निंग में 9 o'clock अपने रूम से निकला, और जैसे जब अपने रूम से निकला उसके बाद बारिश होने लगी, जिसके वजह से मुझे 3 घंटे लग गए इस बीच पर आने में। और आप देख लो साइड में, आपको ऐसा लगता होगा बीच पूरा गंदा हो चुका है, बोतल बहुत कचड़े पड़े हुए। तो मैं बता दूँ मानसून है जिसके वजह से ऐसा दिख रहा है। जब आप इस बीच पर जब आप आते हो सीजन में नवंबर और अप्रैल के बीच में, तो आपको बीच बिल्कुल क्लीन मिलता है और वाटर भी बिल्कुल ब्लू मिलेगा और बहुत सारे स्नैक खुल जाएंगे। इस बीच का मजा ही कुछ और होगा। तो चलो आगे चलते, मैं थक गया था तो मैं सोचा चलो यहीं पर बैठ जाते हैं और बैठ कर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद बारिश हो सकता है, ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, हो सकता है क्योंकि सुबह से बारिश हो रहे थे। देख लो एक रेड फ्लैग दिखता होगा, और आपको इस साइड भी देख लो इधर भी दिखता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप इस रेड का जो झंडा है, रेड झंडा, उससे आप अंदर मत जाओ। मतलब एक इंडिकेशन देता है कि भैया इसके आगे डेंजर हो सकता है, इसलिए लगाया हुआ है। तो आप भी इसका फॉलो करना, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। ज़्यादा मुझे मजे आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं किसी बीच पर जब मैं जाता हूँ तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता है, बारिश देखना पड़ता है, तो आज बारिश हो जाएगा, जाऊँगा आज नहीं जाऊँगा। रियली यार मानसून में गोवा घूमने का मजा ही कुछ और है यार, क्योंकि जब गोवा में जब आते हो मानसून में तो वेव से यार मजे आ जाते हैं। और मैं अभी उधर जाने वाला हूँ, साइड में देख लो मैं उधर जाने वाला हूँ और आपको भी लेकर चलने वाला हूँ। चलो चलते हैं थोड़ा और आगे, मजा करते हैं। और बहुत हवा आ रहा है यार, और इस तरह का वेव का भी मजा आ रहा है भाई। तो चलो आगे और मजा करते हैं, पूरे भी मजा तो बाकी है। Hold me close till I get up, time is barely on our side. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे चैनल पर जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपको इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखना पसंद है गोवा का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मैं अपडेट करते रहूँगा, और आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा यार। और रियली जब आप सिकरी बीच पर जब जाते हो, तो एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये बीच बिल्कुल आपको क्लीन दिखता है, मगर मानसून को वैसे उतना क्लीन नहीं दिख रहा, और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस भी है। और सेकेंड थिंग, इस बीच पर जब आप आते हो तो यहाँ पर दो गोवा का 5-star होटल है ताज का, जहाँ के लोग इस बीच पर आकर पूरे मौज और मस्ती करते हैं सीजन में। तो अभी नहीं, उस समय भी लेकर आपको आऊँगा इस बीच पर, और रियली बीच बहुत अच्छा, खूबसूरत, अच्छा दिखता है यार। तो चलो आप भी चलकर थोड़ा इस बीच का मज़ा लो, और जब सीजन के टाइम पर इस बीच पर आकर अच्छी तरह से आप स्विमिंग कर सकते हो, और बहुत सारे स्नैक भी रहेंगे इस बीच पर, तो मज़ा आएंगे। और मैं बता दूँ बहुत हवा है यार, मैं क्या बताऊँ, और रियली अच्छा लग रहा है। देख लो पानी कहाँ कहाँ आ रहा है भाई, बस यार थोड़ा दूर ही रहे यार, डर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो आप भी आओ यार गोवा में, आकर घूमो यार, पूरे मजा आ जाएंगे। और कुछ भी अगर जानना चाहते हो गोवा के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार। साथ में अम्ब्रेला लेने का बहुत फ़ायदे हैं भाई, क्योंकि जब आप बीच पर जाते हो आपके साथ में पैसा होता है, मोबाइल होता है, अगर आपने साथ अगर अम्ब्रेला नहीं लेकर चलोगे तो क्या होगा, लेट हो जाओगे। तो देख लो भाई अम्ब्रेला लेकर घूम रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या बोरिंग जैसा मैं अम्ब्रेला लेकर घूम रहा हूँ, मगर अभी देख लो इसे कितने फ़ायदे हैं, मैं बच गया, आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ अब, बैठ कर कहीं एक जगह और अच्छी तरह से पूरा बीच का दीदार करूँगा। और बारिश के समय में अम्ब्रेला के अंदर बैठ कर जो दिखता है इस सिकरी बीच, यार क्या बताओ। और देख लो साइड में जो कोकोनट का ट्री, ओ माय गॉड, लवली डे। बारिश की वजह से दिन और भी अच्छा लगने लगा। अभी 2 मिनट पहले बारिश हो रहा था और अभी आप देख लो धूप निकल गया यार, यही है गोवा,
गोवा में जब आप आते हो तो पता नहीं चलता है कब बारिश हो जाएगा और कब धूप निकल जाएगा। देखा, मैं अभी स्ट्रगल कर रहा था, किसी तरह अम्ब्रेला में छिपा हुआ था और अभी जस्ट एक मिनट बाद अभी सन। माय गॉड, यही है गोवा भाई। गोवा घूमने का तो मज़ा यही है, ऐसा ही लगता है यार, कभी धूप कभी बरसात, और गोवा घूमने का मज़ा तो यही है भाई। कभी आकर आप भी मज़ा करो मेरे जैसा। और आपको इस साइड में वाटर एक्टिविटी बोर्ड जो पड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, जैसे ही जब सीज़न स्टार्ट होता है, मतलब और बच गए हैं एक मंथ, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद सारा बोर्ड सी में उतर जाता है। उसके बाद भाई इस जगह का रौनक इतना अच्छा देखने लायक होता है यार, और मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ बहुत जल्द जब सारा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा गोवा में। सिक्रीम बीच पर दो ताज का होटल है, एक है ताज विलेज जो आप हमारे जस्ट पीछे देख रहे हो, यह ताज विलेज, और जो हमारे आप सामने देख रहे हो वो है ताज अगुआडा। दो प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा डिलक्स प्रॉपर्टी है, 5-स्टार होटल है, और इस बीच के आसपास और भी छोटे छोटे होटल हैं जहां पर आप अपने लिए, अगर आपके बजट में आता है तो आप बुक करा सकते हो। और जो स्पेस जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, मैं बता दूं, अगर आप नवंबर और अप्रैल के बीच में आते हो, ऐसे अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, तो हर जगह आपको सैक मिलेंगे जहां पर आप अच्छे तरह से रंग बिरंगे अम्ब्रेला के नीचे मतलब रिलैक्स करते रहो, और अपने हाथ में जो गोवा में फेमस है उसे लेकर बस रिलैक्स करना यार। और इस तरह से दिखता है इस सिक्रीम बीच, यही बहुत अच्छा दिखता है यार। अगर आप थोड़ा और आगे चलो तो और भी थोड़ा मज़े आ जाएंगे। और एक चीज़ और यहां पर बता दूं, आप देख रहे होगे वेव, बहुत हैवी वेव है, मगर अभी भी कुछ लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं सीजन में यहाँ पर आया था तो कुछ फॉरनर थे जो विदेश के लोग, वो लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे थे यार। मैं देखकर बोला कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना वेव में कौन फिशिंग करता है भाई, मगर सच में लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं। अभी भी आप देख लो यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं, देख लो यहाँ पर, तो यार अभी भी फिशिंग कर रहे हैं, मतलब ये एक कला है, आर्ट है, जिसके थ्रू इतना सी में भाई कौन फिशिंग करता है यार, खुद देखो कौन करता है। आप देख लो कितना, मुझे डर लग रहा है कि मैं नीचे ना जाऊं, और ये लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं यार, रियली इट्स इनक्रेडिबल मैन, मतलब इनसेन यार, मज़ा आ जाते हैं देखकर ऐसे ऐसे लोगों को जो सी में भी इतने वेव में मछली पकड़। मज़ा तो आता ही है, और कुछ इस तरह से दिखता है सिक्रीम बीच, और दो बड़े बड़े होटल भी हैं, कभी आपको लेकर चलने वाला हूँ इस होटल के अंदर बहुत जल्द। अभी मैं मॉनसून का वीडियो बना रहा हूँ, बनाने के पीछे एक ही रीज़न था कि अभी आप देख लो गोवा में मॉनसून के समय में आपको बीच साइड में बहुत कम लोग मिलते हैं, जैसे आप सिक्रीम में देखा आपको एक भी टूरिस्ट नहीं मिले, मगर जैसे ही जब ये सीज़न स्टार्ट हो जाता है 15 अक्टूबर से, मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर इतना क्राउड, इतने लोग आके यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। आपको लेकर चलने वाला हूँ इस लवली बीच एंड 2 5-स्टार होटल के बीच में, सिक्रीम बीच का आनंद लेने वाले हैं बहुत जल्द। और इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा, पूरा गोवा का, आपको गोवा का पूरा हर जगह मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ, जो गोवा में दिखता कैसा है, कहाँ पर, हर जगह मैं लेकर चलने वाला हूँ। जोर से बारिश आने लगा फिर से यार, तो फिर अम्ब्रेला उठाना पड़ेगा यार, कि गोवा में आपको मालूम नहीं चलता है कब बारिश आ जाएगा। और आप देख लो बड़ा हैवी, देखो बारिश आ चुका है, और मेरे पास मेरा अम्ब्रेला है भाई, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत तकलीफ है, मैं बता रहा हूँ एक वीडियो बनाने में मुझे पूरे के पूरे दिन लग जाते हैं कभी कभी। अच्छा खासा हो गया यार, चलो बारिश के बाद मिलते हैं, जैसे बारिश बंद होता है उसके बाद फिर हम मिलते हैं। मैं यही बोलूंगा कि इस बीच पर आप जरूर आना, बीच बहुत अच्छा है, वेव भी बहुत, जब आप आते हो इस बीच पर, जब पूरा बीच ऑन हो जाता है तो बहुत मज़ा करोगे यार। और मैं आपको इस मॉनसून, एक मंथ और बचे हैं, एक मंथ में जितने भी बीच बचे हैं भाई, मैं सारे बीच पर आपको लेकर चलने वाला हूँ, और फुल एनर्जी के साथ में जाकर मज़ा करेंगे। और देख लो यार, सच में फिर से धूप निकल आया, तो यही है भाई गोवा। गोवा में कोई कभी नहीं बता सकता है कब बारिश होगा और कब बारिश नहीं होगा, कभी भी हो सकता है और कभी भी नहीं।
तो इस तरह से दिखता है सिकरी बीच भाई। आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया और इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्रेस द बेल आइकन। और भाई इसी तरह के मस्त वाले वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो सिकरी बीच इस तरह से दिखता है भाई और आगे देख लो, चलिए अच्छा लग रहा है भाई। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थक भी गया हूँ, जाकर लंच करता हूँ और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।